रैदास के बेगमपुरा में सब बराबर और तुलसीदास के राम राम राज्य में वर्ण व्यवस्था। और इसलिए इसकी आलोचना खूब हुई कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कुछ अति विद्वान लोग कह रहे हैं कि ताड़ना करते शिक्षा देना, इस पद में लिखा कि दंड देना, सकल ताड़ना के अधिकारी यानी सारे दंड देने के अधिकारी। और बाद में अनुवाद कर दे रहे हैं कि हो सकता है ये लोग पढ़ने लगे तो कहें हमको दंड देने की बात क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा देने के अधिकारी। रैदास कह रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संभ है रविदास रहे प्रसन्न। और जात जस केलन के पात के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। आसान भाषा में कहूं तो वो जात व्यवस्था के खात्मे का दर्शन करते हैं। अधम जाति में विद्या पाए भय हूं यथा अहि दूध पिलाए। वो कह रहे हैं कि अगर नीची जाति में विद्या पाते हैं तो ऐसा होता है जैसे सांप को दूध पिला रहे हैं। इन पदों को लेकर विवाद गहराया तो जे बर्णाधम तेल कुमारा सुपचक्रात कोल कलवारा, इसकी खूब आलोचना हुई कि इन्होंने वापस वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी। उन नीच जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है जिसे कथित नीच जाति के एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते हैं, इस देश का संविधान लिखते हैं। उन नीच जातियों के लोगों के पढ़ने से पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो जा रही है जिस कथित नीच जाति का एक व्यक्ति जो आज खुद प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो पंक्तियां दोहराई जा रही थी उनकी भी उस जाति का जिक्र हुआ। कबीर साहब का एक दोहा है, एक पद है कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तू चाहता उलझावन हारी, मैं चाहता सुलझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो दो विमर्श हैं। एक विमर्श में वो लोग हैं जिनके लिए रामचरितमानस में अधिकांश जगहों पर जिसकी सबसे ज्यादा पूजा करने की बात कही गई हो, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान देने की बात कही गई हो, वो विप्र वर्ग हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केवट और शबरी को गले लगाने और जूठे बेर खाने के प्रसंगों के बावजूद रामचरितमानस का रामराज्य एक वर्ण व्यवस्था पर आधारित रामराज्य है जिसमें उत्तरकांड में आकर के तुलसीदास अपने उत्तरकांड में कुछ चिंता जाहिर करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो इस समय कलयुग आ गया है ये बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि बरन धर्म नहीं आश्रम चारी, अश्रुति विरोध रत सब नर नारी। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था इसको कोई मान नहीं रहा है और श्रुतियों के विरोध में नर नारी लगे हुए वेद पुराण शास्त्र, इसकी चिंता होते होते वो कहाँ जाते हैं, जे बरनादम तेल कुम्हारा स्वपच करात कोल कलवारा, नार मुई घर संपत नासी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ण में अधम है, वर्ण व्यवस्था में नीचे हैं, तेली कुम्हार स्वपच कोल कलवार और ये सारी जातियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, इनके लिए कहा जा रहा है कि ये वर्ण में अधम जातियां हैं। यहां से एक विवाद पैदा हुआ जब उन लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और यह विवाद कोई नया नहीं है समर, हिंदी साहित्य की दुनिया में अगर मैं बात करूं, राजनीति को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हमारे हिंदी साहित्य की दुनिया में तुलसीदास एक बड़े कवि माने जाते हैं। उनकी कविता, उनकी भाषा, उनकी शैली, उसकी तारीफ होती है। लेकिन हिंदी की दुनिया में बहुत सारे लोगों ने तुलसीदास की कठोर आलोचना भी की है कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं तुलसीदास कबीर रैदास के बाद। कबीर रैदास कह रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संभ है रविदास रहे प्रसन्न। और जात जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। आसान भाषा में कहूं तो वो जात व्यवस्था के खात्मे का दर्शन करते हैं। कबीर काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाके बलि पीस का संसार। अरे इन दोन राह न पाए हिंदुन के हिंदुआ देखी। और कबीर क्या कह रहे हैं, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाबन कौन सूदा, और सब बराबर। उनके बाद तुलसीदास अपने और कबीर के अमर दशवा में कोई वर्ण नहीं कोई जाति नहीं, सब बराबर। रैदास के बेगमपुरा में सब बराबर और तुलसीदास के राम राम राज्य में वर्ण व्यवस्था। और इसलिए इसकी आलोचना खूब हुई तो जे बर्णाधम तेल कुमारा सुपचक्रात कोल कलवारा, इसकी खूब आलोचना हुई कि इन्होंने वापस वर्ण व्यवस्था स्थापित कर दी, इसकी आलोचना होती है। दूसरा पद है समर समुद्र की वाणी, भयभीत समुद्र की वाणी कि ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
कुछ अति विद्वान लोग कह रहे हैं कि ताड़ना करते शिक्षा देना, क्योंकि गीता प्रेस ने 1950 के दशक तक अपने अनुवाद के संस्करण में लिखा, तुलसीदास ने अनुवाद नहीं लिखा है कि शिक्षा दूंगा कि ताड़ूंगा कि तारूंगा कि मारूंगा, ये व्याख्याकार ने लिखा है। तो यही गीता प्रेस जिसने उत्तर भारत में रामचरितमानस फैलाया, सब घरों में नहीं पूजा होती थी, सब लोग नहीं पूजते थे, और इस पद में लिखा कि दंड देना, सकल ताड़ना के अधिकारी यानी सारे दंड देने के अधिकारी। और बाद में अनुवाद कर दे रहे हैं कि हो सकता है ये लोग पढ़ने लगे तो कहें हमको दंड देने की बात क्यों कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि हम शिक्षा देने के अधिकारी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस पद को लेकर के विवाद आया, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक और पद पढ़ा है, अधम जाति में विद्या पाए भय हूं यथा अहि दूध पिलाए। वो कह रहे हैं कि अगर नीची जाति में विद्या पाते हैं तो ऐसा होता है जैसे सांप को दूध पिला रहे हैं। इन पदों को लेकर विवाद गहराया, और ये विवाद कोई नया नहीं है, इस पर खूब आलोचना हो चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी सामने आकर के डिफेंड नहीं कर पा रहे, कुछ बाबाओं बाबाओं से ये भी काम चला रहे हैं। तो ये विवाद नया नहीं है, इन पदों को लेकर विवाद हुआ है। नारियों के विरोध में तमाम पद कि विधु नार हृदय गति जानी, कोई विधाता भी इनके हृदय की गति नहीं जान पा रहा है। तो अवगुण आठ सदा उड़ रही, नारी स्वभाव सत्य कवि कहें अवगुण आठ सदा उड़ रही। तो बहुत सारे पद ऐसे हैं जो विवादित हैं, जिनको लेकर के विवाद हुआ है, ये नया नहीं है, लगातार होता रहा है, और इस समय थोड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है तो आगे बढ़ रहा है। बनी बनाई धार्मिक भावनाएं या फिर राजनीतिक रूप से बनाई गई धार्मिक भावनाएं बात बात पर आहत हो जाती हैं, मगर अगर इन्हीं बातों के सिर्फ इन्हीं बातों के संदर्भ से देखा जाए तो उन नीच जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है जिसे कथित नीच जाति के एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते हैं, इस देश का संविधान लिखते हैं। उन नीच जातियों के लोगों के पढ़ने से पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो जा रही है, जिस कथित नीच जाति का एक व्यक्ति जो आज खुद प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो इन जो पंक्तियां दोहराई जा रही थी उनकी भी उस जाति का जिक्र हुआ, और जिन जातियों के खिलाफ बोला गया है उन्होंने इस देश में न जाने क्या क्या किया है। सबसे शर्मनाक ये है कि अगर साहित्यिक आलोचना के नज़रिए से भी देखें तो उसके पहले कबीर और रैदास ने बहुत कुछ लिखा और बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से लिखा, जो एक बराबरी का सिद्धांत है उस सिद्धांत से फिर आगे आकर समय में पीछे नहीं जाना है और आगे आकर और प्रोग्रेसिव होने के बजाय और दकियानूसी विचार आ जाते हैं। इसके बावजूद अगर किसी को मसीहा बनाने पर कोई तुला हुआ है तो उसमें जाति हित जरूर दिखाई देते हैं।